थे। देखते हैं आज की खास खबर। जरीबटका थाना क्षेत्र में तीन युवकों का अपहरण, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गोदाम के अंदर बंद कर पिटाई, पीड़ित युवक उत्तर प्रदेश निवासी है। जरीबटका थाना अंतर्गत ईद में गांव जाने के लिए काम करने के पैसे मांगने पर तीन युवकों का अपहरण कर उन्हें एक गोदाम के अंदर बंद कर उनकी पिटाई की गई। आरोपियों ने कृष्णा गुप्ता और उसके दोस्तों का अपहरण कर ले गए थे। गोदाम के अंदर इनके एक दोस्त को पहले से ही आरोपियों ने बंधक बनाकर रखा था। पीड़ित कृष्णा गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने फल विक्रेता आशीष साहू, छोटू साहू, सदन दीपेंद्र साहू, विनीत साहू और अवीश के खिलाफ धारा 363, 343, 123, 147, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित युवकों में कृष्णा रमाशंकर गुप्ता, उसका दोस्त आमिन राइन, अजमेर राइन व अन्य शामिल है। बताया जाता है कि पीड़ित युवकों में से कुछ युवक ईद पर गांव जाने के लिए पैसे मांग रहे थे। उनके साथ कृष्णा अपनी मेहनत के 12,600 रुपए मांग रहा था। उसने सोचा कि अपने दोस्तों के हाथ से कुछ पैसे घर भेजा देगा, इसलिए आरोपियों ने उसका भी अल्फा ऑटो से अपहरण कर आशीष के बेगोसाबाग स्थित फल के गोदाम पर लेकर गए और वहां बंधक बनाकर उन्हें पीटा और बाद में कामगार कॉलोनी चौक पर ले जाकर छोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार आशीष साहू कामगार कॉलोनी निवासी के पास कई फल बेचने वाले हाट ठेले हैं। जरीपटका क्षेत्र में उसके कई जगह पर यह ठेले लगते हैं। इन ठेलों पर उसने उत्तर प्रदेश के कुछ लड़कों को 600 रुपए महीने पर फल बेचने के लिए रखा था। आशीष साहू के ठेले पर कृष्णा और उसके उक्त दोस्त काम करते थे। ईद पर गांव जाने के लिए आमिर मोहम्मद आरिफ, अजमेर राइन और आमिर राइन अपने मेहनत के पैसे आशीष साहू से मांग रहे थे। पता चला है कि यह सभी उत्तर प्रदेश के जंघई क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह आशीष के फल के हाथ ठेले पर फल बेचने का काम करते थे। आशीष ने सोमवार की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच छोटी साहू, सदन दीपेंद्र साहू, विनीत साहू और अविश के साथ उनके कमरे पर पहुंचा। कृष्णा और उसके दोस्तों मोहम्मद आरिफ और अजमेर राइन को जबरन अल्फा ऑटो में डालकर मेकोसा बाग में आशीष साहू के गोदाम में ले जाकर उन पर गले से पैसे चुराने का आरोप लगाकर उनकी पिटाई की। तो एमएनएस न्यूज आई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।